Assalamualaikum everyone, I hope that you guys are fine and doing good in your lives. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि वी आर गोइंग टू बी अप विद द न्यू करंट अफेयर्स विद द अफेयर्स दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल वाइल यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। अब जो लास्ट हमारी वीडियो थी, मैंने उसमें कहा था कि आप इसको किस तरह कोड कर सकते हैं या इसको अपने लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं, हम उसको ज़रूर आपको बताएंगे। एक चीज़ जो कि हमने शायद नहीं की है और आइंदा से हम ज़रूर करेंगे कि अपनी न्यूज़ सोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालें, ताकि जब आप नोट्स बना रहे हों तो जाहिर सी बात है आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है, तो मेरे बोलने के अलावा आपको वो रेफरेंस लिंक्स भी मिल जाएंगे जहाँ से वो हम न्यूज़ कोड कर रहे हैं या जहाँ से हमने न्यूज़ को फेच किया है। दूसरा बात ये कि जहाँ तक बात है कि आंसर्स को कैसे बनाया जाए थ्रू दिस वीडियो, जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड की उसके बाद कुछ कॉमेंट्स भी आए। कॉमेंट्स के अंदर कुछ कॉमेंट्स मुझसे जो है वो डिफर भी करते थे और मुझसे जो है अग्री करते थे या डिसअग्री करते थे। तो उन को पढ़ने के बाद जब आप उस कमेंट्स को भी देखते हैं ना, उनको कमेंट करने के तरीक़ेकार को, लाइक कुछ होते हैं जो हमें आपने जो है वो भेज देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो वाकई कुछ स्टडी करके बैठे होते हैं। दिस इज़ व्हाट योर सीएसएस इज़ अबाउट। नंबर वन थिंग, मेरी जो न्यूज़ है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। अब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी न्यूज़ है या आपकी थिंकिंग है, आप उसको देख के कॉमेंट करते हो। This is the most intelligent way to answer. कैसे? क्योंकि वो आपसे ना ही तो किसी का कोट मांगते हैं, ना ही तो किसी का नोट्स लिखे लिखाए रेडीमेड मांग रहे होते हैं। वो आपसे मांगते हैं आपका ओपिनियन। अब वो ओपिनियन मेरा कोई भी हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपनी चीज़ों के साथ, जैसे कि मैंने कहा कि मैं लिंक्स दे दूंगी, तो मैं अपनी साथ अपनी बातों को प्रूव कर रही हूँ। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो आप अपना ओपिनियन लेकर आओ, आप अपने पॉइंट्स लेकर आओ, आप अपनी खबर की ऑथेंटिकेशन लेकर आओ, मुझे बताओ कि नहीं, तुम ये बात गलत कर रहे हो। This is what CSS answers means to be. वो ये नहीं कहते कि मैंने ये बात कही है तो मैं सही कही है। वो कहते हैं कि अगर हमने ये बात कही है तो उसको क्रिटिकली एनालिसिस करो। आपको कैसे एनालिसिस करते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन है, आप उसके साथ अग्री या डिसअग्री कर सकते हैं। एसेज में भी यही होता है। वो आपको एक टॉपिक दे देते हैं, आप तो ये नहीं कहते कि भाई इसके बारे में अच्छा बोल दो। नहीं, वो आपसे कहते हैं ये टॉपिक है, आप इसके ऊपर लिखो। भले ही तुम्हें उसके साथ जाना है, उसके अगेंस्ट जाना है, लेकिन अपनी बात को प्रूव करना कि मैं जब तक मैं उसको पढ़ूं, मतलब वो जब तक एग्जामिनर पढ़ेगा, पढ़ने तक वो उस बात से पूरा मुतमईन हो जाएगा, हाँ ये जिस हिसाब से ये सोच रहा है ना, उस हिसाब से ये न्यूज़ सही है। भले वो न्यूज़ उसके जहन में किसी और थ्रू उसमें पर्सपेक्टिव के अंदर हो, लेकिन वो न्यूज़ एंड तक चेंज हो जाए ना। बैक टू द पॉइंट, आज का करंट अफेयर क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी ताकि आप लोग उससे रेफरेंस ले सकें। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो हमारी पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया रिलेशंस है। दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट करेंटली, और अगर आपने एक से दो दिन पहले की न्यूज़ चेक की हो तो हमारे ऊपर एक जो है वो डेट वापस करने की, एक कर्ज़ा वापस करने की सऊदी अरेबिया को एक जो है ना वो अल्टीमेटम आया हुआ है सऊदी अरब की तरफ से कि हमें वो वापस करना है। जो कि ऑल्दो अब थोड़ा सा चेंज हो गया उसका मामला, लेकिन सऊदी अरब ने कह दिया था कि हमने जो आपको कर्जा दिया था उसमें से जो एक किस्त है जो कि हमने पहले भी दी, और उसके बाद जो दूसरी किस्त है वो आपको अभी देनी है, रादर देन वो जितने भी आप लगा लें प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई मुझे वापस चाहिए। खैर, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट अगर आप आगे पढ़ेंगे तो नेशंस अपने इंटरेस्ट में काम करता है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, तो वो उनकी मर्जी है कि वो मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। लेकिन लास्ट कुछ महीनों में पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी डायनेमिक्स चेंज करते रहे हैं। आज हम उन सब के ऊपर बात करेंगे और ये भी ज़रूर देखेंगे कि वो रिलेशंस अब किस मोड़ पर आ रहे हैं, या तो वो ठीक होने जा रहे हैं या फिर वो और गड़बड़ होने जा रहे हैं। पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग हुई, वो क्या थी? वो ये थी कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के रिलेशन में एक बोन ऑफ कंटेंट अगर कोई आता भी है तो आपको पता है
ये पाकिस्तान और किसी भी मुल्क के रिलेशन के बीच में अगर ये मोनो कॉन्टेंट आ गया, दैट इज़ यू नो रुकावट या कोई भी आप कह लें हर्डल, वो होती है इंडिया। इंडिया अगर किसी भी रिलेशन के बीच में आ जाता है, ये हमारी भी हम कह सकते हैं कि ये यू नो थिंकिंग है कि अगर इंडिया किसी चीज़ के रिलेशन के बीच में आ गया तो हम समझते हैं कि नहीं ये तो ख़राब ही होने वाला है। तो ये चीज़ और ये प्रूफ भी हुआ है। इसी तरह हुआ कुछ यूँ कि स्टोरी शुरू होती है OIC से। आपको पता होगा कि बचपन में हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं हमारे पास SST की बुक्स में जो है वो 9th-10th के अंदर भी आ जाता था कि व्हाट इज़ OIC। OIC कहते थे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। इसका नाम चेंज किया गया 2011 के अंदर और उसको बना दिया गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अब इस्लामिक कॉरपोरेशन को चेंज करने का जो बहाना या अमेंडमेंट जो की गई वो कुछ यूँ थी कि इंडिया कहता था कि भाई क्योंकि इंडिया की हमेशा से रही है और बाकी जितने भी कंट्रीज़ होते हैं ना उनकी याद है कि ग्लोबली बड़ी एक यू नो एक पॉलिटिक्स होती है कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूरोपियन यूनियन है, हम फिर इसके बाद ये SAFTA और ASEAN और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है लाइक SAARC है, SAARC के अंदर भी आपने देखा होगा कि है तो वो एशियन कंट्रीज की लेकिन उसके अंदर हम जो है वो बाकी मेंबर्स को भी देखे होते जो कि एशियन नहीं होते। वो क्यों होते हैं? हम उनको मेंबरशिप ग्रांट कर देते हैं। वो किस तरह की ग्रांटिंग होती है? उसकी अलग अलग जो है अमेंडमेंट्स बनाई जाती हैं और उनको किसी न किसी तरह इन्वॉल्व किया जाता है। इसी तरह चेंज किया गया नाम को और नेम चेंज करने के बाद इंडिया की जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई। अब वो किस तरह शुरू हुई कि उन्होंने कहा कि भाई अब क्योंकि मेरे पास 15% जो है वो मुस्लिम्स हैं उनके कंट्री के अंदर जो कि कुछ 20 करोड़ आवाम बनती है उनकी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास मेजॉरिटी के हिसाब से तो बहुत सही आवाम है, अगर आपको ऐसा है कि भाई मुस्लिम की कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है आप तो वाई नॉट आए। क्यों? क्योंकि मैं भी तो उतने ही रखता हूँ जितना हम लोग अपने मुल्क में इन टोटल रखते हैं अगर देखा जाए तो। तो उन्होंने ये जो है अपनी एक रीज़न बनाई। इसी रीज़न के वजह से वो काफ़ी सालों से लगा पड़ा है कि वो किस तरह OIC के अंदर भी घुस जाए। अब वो घुसने के लिए उन्होंने सऊदी अरबिया को बड़ी पैम्परिंग की। अब वो पता है कि OIC जो है वो हेडक्वार्टर ही सऊदी अरबिया में है तो उनको बड़ी मक्खन लगे उसके। खैर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में इसके लिए मैं आपको एक हिस्ट्री भी बता देती हूँ कि जनरल याह्या खान ने जब 1969 में जब ये यू नो ऑर्गेनाइज हो गई थी तो मोरक्को में जो है वो एक इनका जो है वो एक जो ना आपको पता है कि हर साल जो है ना वो कॉन्फ्रेंस होती है और उस मीटिंग्स के अंदर जो है वो काफ़ी सारी डिस्कशंस होती हैं। तो वो पहली एक जो है वो रखी गई मोरक्को के अंदर। तो उस यू नो मीटिंग के अंदर को बुलवाया गया बल्कि उनके जो डेलीगेशन थे वो वहाँ से उड़ चुके थे कि उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत कर सकें। लेकिन जनरल याह्या खान को ये बात पता चल गई। जनरल याह्या खान ने उसको अपोज किया और OIC को कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो वी एज अ नेशन लाइक पाकिस्तानी वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर। तो बड़ी जो है वो यू नो बातें हुई और बड़ी जो नो पड्डा खड़ा हो गया इस बात पे कि भाई पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू बी अटेंड दिस ऑर्गेनाइजेशन अगर इसमें जो है इसकी मीटिंग जो है वो इंडिया ने अटेंड की। और आपको पता है कि उस कितना करीब करीब का वो एक यू नो था 1965 की वॉर के बाद कौन सा मुल्क चाहेगा कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्वामी कंट्रीज में वापस से अभी थोड़े दिनों पहले हमसे जंग लड़के बैठे हैं और उन्हीं को जो है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो दावत दे दी। फिर उनको वो डेलीगेशन को कैंसिल करना पड़ा कि आप नहीं आइएगा क्योंकि ये अपोज हो चुका है कि आपको अलाउ किया जाए। उस अपोजिशन की वजह से टिल नाउ यू नो 2019 तक जो है वो कोई भी डेलीगेशन ऐसा नहीं था जो OIC की यू नो कॉन्फ्रेंस के अंदर अटेंड करता। मुझे पता है कि भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि OIC के तो अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, OIC ने ऐसा कोई ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन OIC बड़े अलग यू नो स्टार्ट्स में जा रहा है। अब वो किस तरह से जा रहा है? आपको मिलिट्री अलायंस आपको पता होगा कि जिस तरह की UNO में एक ऑर्गेनाइजेशन है या NATO हो सकती है कह सकते हैं, तो उस तरह की एक फोर्स जो है वो OIC या इस्लामिक कंट्रीज भी बना रही है जो कि अलायंस है। और जो आपको अभी करंटली अगर आपने कुछ पढ़ा हो या फिर लास्ट डे की कुछ न्यूज़ देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि जनरल वाहिद शरीफ जो है वो उसके चीफ बनाए
गए और सऊदी अरबिया को सूटेबल मोस्ट सूटेबल आर्मी का बंदा कौन लगा? पाकिस्तान के मुल्क से रिटायर्ड हुआ हुआ जनरल राहिल शरीफ, और उन्होंने उसको एज अ चीफ रखा। तो उस अलायंस की वजह से जो है ना इंडिया का भी एक अपना जो है ना मफाद बन रहा है, उस वो चाह रहा है कि वो किसी तरह एंटर हो जाए। 2019 तक जो है वो शिरकत नहीं हुई थी, लेकिन 2019 एट यूएई सुषमा राज जो है वो अटेंड करती हैं वो कॉन्फ्रेंस, और उनको बुलाया जाता है इस्लामिक कंट्रीज़ के यू नो एक्सेप्टेंस के साथ सारे आके बैठती हैं। उस चीज़ को भी अब जो है वो अगेन अपोज किया था जनरल शाह मोहम्मद कुरैशी जो है, उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद हमने अपोज किया कि वी आर नॉट गोइंग टू अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस बिकॉज ऑफ इंडिया। आपने उनको क्यों शिरकत करी? आप उस कंट्री को कर रहे हो जो एक इस्लामिक यू नो स्टेट, या अभी हम स्टेट नहीं कहते हैं उसको, चलो टुकड़े को कह लेते हैं, वहाँ पे ब्रूटलिटी कर रहा है और आप उसको जाके शिरकत के लिए मदो कर रहे हैं और कश्मीर का आपको ख्याल नहीं आया। यही वजह है कि शाह मोहम्मद कुरैशी ने भी लास्ट में भी कहा कि आपको कश्मीर का ख्याल नहीं आता, हम आपसे कह रहे हैं कि मीटिंग बुलवा लें, अगर आप नहीं बुलवाते हैं तो हम खुद अपने मुल्क में बुलवा देंगे। ये एक कमेंट लास्ट मंथ जो है शाह मोहम्मद कुरैशी ने भी दिया है, जो कि बड़ा ही यू नो स्ट्रांगली लिया गया है कि यू नो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक इतनी यू नो जरूरत आ गई है कि वो इस तरह से जो है वो आईसी को या सऊदी अरेबिया को कॉल कर रहा है। लोगों ने ये भी कहा कि इसी शायद वजह थी कि उन्होंने जो है वो कर्ज़ वापस मांग लिया। वो रिलेट कर सकते हैं, आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं स्टोरी को, आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इज समथिंग कि आप किसी भी बात को किसी भी लिंक से जोड़ दें। अब ये हुआ है कि OIC ने ये जो TSG एक न्यूज़ एजेंसी है उसने ये रिपोर्ट किया कि ये जो रिलेशन है पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया के वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब ये TSG क्या है? ये द संडी गार्डियंस है। द संडी गार्डियंस इंडियन न्यूज़पेपर है। उसने कहा कि सऊदी अरबिया से ये बहुत दूर हो चुके हैं और सऊदी अरबिया जो है वो अपनी राहें अलग कर रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ को नहीं देख रहा है, उनको अपने पता चल गया है कि कौन सी कंट्री बहुत बुरी है। और उसने दो वाक्यों को बड़ा कोट किया और ये बात वाकई हुई है। एक तो ये कि 27 अक्टूबर, अगर आप लोगों ने जो है वो लास्ट खबरों में देखा हो या फिर नहीं भी देखा हो तो मैं आपको बता दूँ, 27 अक्टूबर जो है वो पाकिस्तान जो है वो ऑब्जर्व करता है ब्लैक डे के तौर पर एज सॉलिडारिटी विद द कश्मीर। अब उस डे में जो है वो हमेशा कॉन्सुलेट्स में जो है वो तकरीब रखी जाती हैं, सबको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, फॉरेन ऑफिसर्स आपको पता होते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई सब अपने अपने जो है ना कॉन्सुलेट्स के अंदर जो है वो ऐसे जो है वो तकरीब रखें, उनके अपने जो ना एक सिस्टम होता है, इससे जो है ना आप किसी और मुल्क में बैठ के एक कॉन्सुलेट के अंदर एक फंक्शन कर रहे हो जिसमें आप डिस्कस करने जा रहे हो एक ऐसी टेरिटोरी को जिसको आप जो है ना वो राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी डेलीगेशन, बहुत सारे ऑफिसर्स जो है वो शिरकत करते हैं, मिनिस्टर्स भी इवन करते हैं और हाई ऑफिशियल मिनिस्टर्स भी शिरकत करते हैं। लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छी जो है ना वो इसी तरह की एक की थी, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे यहाँ यू नो सऊदी अरबिया में जो है कॉन्सुलेट है वहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज की एक बहुत अच्छी आर्ट एग्जीबिशन हुई, जिसके अंदर फोटोग्राफिक वे में सबको बताया गया कि भाई कश्मीर के अंदर ये जुल्म हुआ और बड़ी हाईलाइट हुई। बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स उसमें सऊदी अरबिया के शरीक भी हुए। तकरीब होती है, छोटी सी तकरीब के अंदर जो है वो कुछ लोग बुलाए जाते हैं और छोटी सी तकरीब के अंदर ही जनरल राहिल शरीफ थे, एक पुराने डिप्लोमेट थे सऊदी अरब के जो यहाँ पे मतलब रह चुके हैं हमारे यहाँ, तो उनको भी मधु किया गया। जनरल राहिल शरीफ ने पूरे जो है तकरीब में, एक आर्मी ऑफिसर है उसको पता है कि पीछे क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, उनको सारे यू नो दूर अंदेशियाँ सब होती हैं। उन्होंने कॉमेंट किया, कॉमेंट करने के बाद कश्मीर के इशू पे ऑफिस के बाद उन्होंने एक जो जो लाइन बोली उससे बड़े जो है ना वो सिम्टम्स और यू नो हम कहते हैं ना कि डायनेमिक्स बड़े चेंज हुए। उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन अपने मामलात को सुधारिए, अगर आप नहीं सुधारते तो मेरी वफादारियाँ मेरे मुल्क के साथ हैं। क्योंकि ये उनको लगा होगा कि भाई अगर यू नो हम उनको ले गए तो ये हमारे जो ना यू नो वो हो जाएंगे या हमारी तरफ ज़्यादा रहेंगे या हमारी सिंसियरिटी में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हुआ कुछ यूं कि राहिल शरीफ ने खड़े होके वहाँ पर कुछ और ही बोल दिया। इसके बाद थोड़े से जो हल्के, क्योंकि सलमान जो यू नो क्राउन प्रिंस अभी अब जो है करेंटली, जो कि हम समझते हैं कि ज़्यादातर जो है ना वो उसे सलमान की वजह से ही सारी पॉलिटिक्स में चेंजिंग या भी जो भी हो रहा है, तो उनके लिए जो ना राहिल शरीफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यू नो वो बहुत ही यू नो नाजोज उठा के कहते हैं ना लेके जाना, तो उन्होंने बड़ा चीज कर लिया उस मामले को। अच्छा, अब उनको जो है वो चीज़ खबर पहुंची है कि उन्होंने इस तरह के कमेंट किए। अब क्या हो रहा है कि वो जो उन्होंने कर्जा मांगा था वो कर्जा हमें वापस देना था। हमने कहा कि भाई थोड़ी सी वो रियायत मिल जाए, तो रियायत तो नहीं मिलनी थी। तो अगेन हम कहते हैं ना कि कभी भी अपने फ्रेंड्स की यू नो सिंसियरिटी पे शक नहीं करना चाहिए। चाइना ने अगेन हमारे लिए फ्रेंडशिप का काम किया और अगेन हमें 1 बिलियन उधार दिए और 1 बिलियन हम उधार का जो है वापस करने जा रहे हैं उनको। इन कॉन्ट्रारी टू दैट, अब हो क्या हुआ है जो कि पाकिस्तान को ज़्यादा बुरा लगा, वो कुछ यूँ था कि हमसे तो कर्जा वापस मांग रहे हो, लेकिन इंडिया जिसकी इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, डिस्टर्बिंग, क्योंकि उनका कोरोना संभल नहीं रहा, उनको जाके इन्होंने काफ़ी सारी जो है यू नो ग्रांट्स दिए, बड़े जो ना नए नए बिजनेस दे दिए, नई नई जो नो क्योंकि इस वक्त में हर मुल्क अपने मुल्क का यू नो फाइनेंशियली अपने आप को बड़ा बचा के चल रहा है। वो इस वक्त में जैसे मैं अभी कहा था कि वो मांग सकते हैं, सबका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, सऊदी अरबिया को ज़रूरत है, वापस मांग ले, लेकिन इन कॉन्ट्रारी टू दैट इफ़ यू आर गोइंग समवेयर और वहाँ जाके आप पैसे दे रहे हो और उनको बांट रहे हो, तो वो एक अलग कहानी हो जाती है। संडे टाइम्स ने भी अपनी न्यूज़ में भी यही कहा कि भाई बड़ी दूरियाँ होने वाली हैं और हम US जो है वो अब अपने जो नो अलाइंसेस जो है वो चेंज करने जा रहा है, लेकिन अब वो चेंज हो गई है। अब वो चेंज भी यूँ हुई कि सऊदी अरबिया को थोड़ा सा डर लग गया है, जो बाइडन आ चुके हैं, ट्रम्प जो बहुत अच्छे बड़ी माने जा रहे थे यू नो सऊदी जो है वो क्राउन उसके लोगों के, तो उन्होंने कहा कि कोई सेफ गेम ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान को जी जो एक नया ब्लॉक है, एक नया ब्लॉक नज़र आ रहा है, नो डाउट नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आपको जो है ना ईरान थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हुआ हुआ नज़र आता है, टर्की है, पाकिस्तान है, और एक और जो छोटी कंट्रीज़ हैं यू नो जिसके अंदर आपका मलेशिया है, ये भी बड़े बोलने लग गए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके जो है ना कॉमेंट्स आते हैं या किसी भी इशू के अंदर अपने स्टांस आते हैं। स्टांस रखना बड़ा ज़रूरी है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, एक स्टांस रखना बड़ा ज़रूरी है, खामोश को तो कोई भी रोंद के चला जाता है। तो महातीर के आपको आपने सुना ही होंगे, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के स्टांड हर मामले में आ रहे हैं। तो अब ये ब्लॉक से डर के सऊदी अरेबिया ने कहा कि ऐसा ना हो कि वाकई ब्लॉक बन जाए, थोड़ा सा उन्होंने रियायत करना शुरू कर दी है, थोड़ी सी ग्रांट्स देनी शुरू कर दी है, और वो कुछ कुछ यू नो अपनी रियायत देने के लिए मूड में आ चुका है। हमारे पास एक और हमने बात कर ली वहाँ के नेशनल इंटरेस्ट की, हम अपनी बात भी कर लेते हैं, वो हमारा नेशनल का इंटरेस्ट है। हमारे इंटरेस्ट के अंदर ईरान आ सकता है, क्योंकि ईरान ने निकाल के फेंका है अभी टपी गैस लाइन यू नो एग्रीमेंट से इंडिया को, क्योंकि बहुत सारे चाबहार जो उनका भी हम कह सकते हैं कि चाबहार वाले में से भी बाहर निकाल के फेंका, अब वो क्यों फेंक दिया है, उनके अपने रीजंस हैं, सब कुछ है, लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ से तो रिलेशन ख़राब हो गए। अभी जो बाइडन के आते ही कौन से रिलेशन बनते हैं कौन से नहीं, क्योंकि इंडियन मीडिया इज़ डिवाइडिंग बिटवीन द टू मेन यू नो ब्लॉक स्टेटस, एक जो है वो ट्रम्प को याद करके रो रहा है और दूसरा जो है ना वो जो बाइडन को वेलकम कर रहा है। अब जो बाइडन को वेलकम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं तो खड़ा होना है ना, और ट्रम्प को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रम्प और मोदी की जो यू नो थिंकिंग थी वो काफ़ी सेम थी, नॉट लाइक यू नो ये वॉर ना करना, ये सब नहीं करना, ये जो हिंदुइज्म या एक्सट्रीमिज्म वाली जो कहानी थी, ये दोनों कहीं ना कहीं अपने स्टांस में बड़े यू नो मिलते जुलते हैं, कहीं ना कहीं से लिंक्ड है इन लोगों का। तो ट्रंप को जाने के बाद बड़ी रोना निकला है इंडियन यू नो पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन वो एक अलग अपनी स्टोरी है कि वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास किस तरह की यू नो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो बड़े मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ कह सकते हैं और ये जो बड़े इस्लामिक ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, इन्होंने हमेशा से यूज़ किया है हम जैसी कंट्रीज़ को, और अगर हम अपना स्टांस रखना है, अगर हम अपने अपने यू नो इंटरेस्ट को रखना है, तो नो डाउट हमें सऊदी अरबिया से हमेशा से यू नो लिंक्ड है, हम उनके वफादार
नहीं गएंगे, क्योंकि हमारी जो है ना उनसे स्पिरिचुअलिटी जो है वो खाने काबा और यू नो उस ज़मीन से भी है जिसमें हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट यू नो शख्सियत का होना पाया जाता है। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंगली ज़रूरत है कि हम भी अपने डायनेमिक्स को या तो बीच में ही रख लें, चले बीच में रख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी एक तरफ नहीं जाता। जी आपने देखा होगा, अभी मैं खैर हमारा दूसरा जो ना टॉपिक होगा, अभी हमने देखा होगा कि जो बाइडन के जैसी हुआ उस ट्रम्प को सब भूल गए, और ट्रम्प को कोई याद भी नहीं कर रहा। ट्रम्प को भूल के सबने यू नो वेलकम के मैसेजेस भेज दिए जो बाइडन को, और ट्रम्प अभी तक रो रहे हैं कि मेरे साथ धांधली हुई है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्लोबल पॉलिटिक्स, यही होता है। होपफुली ये आपके जो है रिलेशंस के अंदर काम आएगा, पुराने रिलेशंस में नए रिलेशंस में क्या होने जा रहा है, और पाकिस्तान यूएस अगर सऊदी अरब के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे तो आप पीछे के डायनेमिक्स को ज़रूर समझिए, तब जाके आगे की पॉलिटिक्स समझ में आती है। कोई भी डिसीजन लिंक कर जाता है, आज जो हुआ है वो कहीं ना कहीं जाके लिंक करता है। देखिए 1969 में जो याह्या खान ने अपोज किया था उसकी वजह से 2019 तक इंडिया ने OIC में शिरकत नहीं की, लेकिन अब क्या हुआ, वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो चीज़ें अब चेंज हो गई। लेकिन कोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपोज किया था, अब हमें अपोज करना चाहिए और अपने ब्लॉक्स को भी बोलना चाहिए, हम अपने यू नो पास्ट फ्यूचर कंट्रीज को भी बोलना चाहिए कि प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ इस स्टांस में रहिए कि वो कंट्री जो कश्मीर पे इतना जुल्म ढा रहा है, आप OIC में कैसे उसको जो है ना वो दे सकते हैं, जो खुद अपनी कंट्री में भी मुस्लिम्स के साथ अच्छा नहीं है, उसकी कॉपरेशन किस बात की, जो कि मुस्लिम कंट्री कह रहा है अपने आपको कि भाई मैं बहुत बहुत मुस्लिम माइनॉरिटी है लेकिन मेरे पास मेजॉरिटी है, ये बोल रहा है, तो वो अपने मुस्लिम्स को कौन सा राइट्स दे रहा है, कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि उनके मुस्लिम को पूरे मिल रहे हैं, खाने से लेकर दफ्तर तक कौन से राइट्स आप जो है वो फुली आपको नज़र आता है। एक हाथ अगर कोई सदर बन जाता है, एक हाथ अगर कोई सीट पे बैठ जाता है, एक हाथ अगर कोई साइंटिस्ट नज़र आ जाता है, तो आप ऐसे क्यों जो उसको कोट कर सकते हैं, आप कोट उसको कीजिए जो ग्राउंड लेवल के अंदर जो है वो पिस रहा है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप ये आपको मदद देंगे आपके व्यू पाक एंड सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को कोट करने में। थैंक यू सो मच।